उनकी जो नॉवल्स मेजर नॉवल्स इंपॉर्टेंट हैं शी वॉज बॉर्न ऑन सिक्सटीन डिसम्बर सेवनटीन सेवनटी फाइव स्टिवेंटन रैक्ट्री हेमशाया इंग्लैंड एंड शी डाइड ऑन एटीन जुलाई एटीन सेवनटीन विंचेस्टर हैम्पशाया इंग्लैंड प्राइड एंड प्रिजर थर्टीन लिटरेरी वर्ल्ड वॉज ब्रेस्ट विद दिस नॉवल सो इट केम आउट इन एटीन थर्टीन Pride and Prejudice और ये manners पर डिपेंड करती है इसमें किस तरह से लोग रहते हैं वो उस चीज पर फोकस है प्रोटैगनिस्ट जो है वो एलिजाबेथ बेनेट है शी विटने रिपोर्शन ऑफ हिस्ट्री जजमेंट और वो काफ़ी जगह उन्हें हिस्ट्री जजमेंट को फेस करना पड़ता है एलिजाबेथ द प्रोटैगनिस्ट इज द सेकेंड ओल्डेस्ट ऑफ हर फाइव सिस्टर्स जो एलिजाबेथ है वो फाइव सिस्टर्स में सबसे बड़ी है और यही प्रोटैगनिस्ट है अ लाइवली क्विक विटेड शार्प टंग बोल्ड एंड इंटेलिजेंट गर्ल वो काफ़ी इंटेलिजेंट है और लाइवली है शी इज़ ऑब्जर्वेंट एंड इंसाइटफुल ऑब्जर्वेंट भी है लोगों को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करती है और काफ़ी अच्छा इंसाइट रखती है एंड एक्सट्रीमली वेल्दी एरिस्टोक्रेट जो मिस्टर डार्सी है वो एक एरिस्टोक्रेट है और वेल्दी है ही इज़ प्राउड एंड एरीगेंट वो काफ़ी प्राउड है और एरीगेंट भी है इन द बिगनिंग द रीडर्स फाइंड हिम टू बी एक्सट्रीमली कॉन्शियस ऑफ क्लास डिफरेंस यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है मिस्टर डारसी uh, के बारे में वो क्लास डिफरेंस है और ये क्लास डिफरेंस इस वर्क का थीम uh, भी है ही डज हाउ हैव अस्ट्रॉग सेंस ऑफ ऑनर और उनके अंदर जो है सेंस ऑफ ऑनर भी है ही ऑल्सो शोज वर्च्यू एंड अ डिग्री ऑफ फेयरनेस और वर्च्यूज भी वो अपने कैरेक्टर में शो करता है डॉक्टर डार्सी दिस इज दिस क्वालिटी हेल्प्स हिम टू कंट्रोल हिज प्राइड जो मिस्टर डार्सी है वो ये क्वालिटी से वो अपना प्राइड भी कंट्रोल करता है वेन एलजेथ एल्जेट्स रिब्यूक्स हिम फॉर हिज श्रिंग माइंड सेट और एल्जेबे उसको उसकी श्विंग माइंड सेट के लिए भी संकुचित मानसिकता के लिए भी रिब्यू करती है डांटती है जेन जेन जो है वो ओल्डेस्ट बेनिट डॉटर है शी इज ब्यूटिफुल वेल नेचर फ्रेंडली हम्बल एंड सेल्फिश मिस्टर बिंगले स्टेटिक कैरेक्टर है अनदर एरिस्टोक्रेट अपार्ट फ्रॉम मिस्टर डार्सी मिस्टर डार्सी के अलावा जो यहाँ पर एरिस्टोक्रेट है वो मिस्टर बिंगले है डाई हार्ड लवर ऑफ जेन और जेन को बहुत पसंद करता है चार्ले बिंगले इज एन एमिएबल एंड गुड टेम्पर्ड पर्सन जो बिंगले है वो काफ़ी अच्छा एमिकेबल पर्सन है और गुड टेम्पर्ड आदमी है लीस्ट बॉर्डर टू क्लास डिफरेंस लेकिन मिस्टर डार्सी के अगेंस्ट हम कह सकते हैं उल्टा ये जो है वो ज़्यादा क्लास डिफरेंस को फोकस नहीं करता है मिस्टर विकम एन ऑफिसर इन द रेजिमेंट स्टेशन ऑफ मैरिटन मैरिटन में एक ऑफिसर है डिसेप्टिव कैरेक्टर इन दी नॉवल ये जो विकम है ये डिसेप्टिव है इसका मतलब ये है कि आप इसके बारे में पहले नहीं जान पाते हैं कि ये किस तरह का इसका नेचर है ऑफिस ऑफ विकम पर जेस्ट अचाम दैट हाइट से हिस्सुलेट अन ट्रस्ट वी पर्सनैलिटी वैसे तो ये अनट्रस्ट वर पर्सनैलिटी है इस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता लेकिन अगर आप इसे ना बाद में देखेंगे तो ये इतना शो ऑफ करता है कि बहुत ही अच्छा कैरेक्टर लगता है शुरुआत में मिस्टर बेनेट एन इंटेलिजेंट मैन विद गुड सेंस बहुत ही अच्छा सेंस है इनके अंदर मिस्टर बेनिट डिस्प्लेस कंसर्न फॉर एलजबेथ देन एनी वन एल्स और जो मिस्टर बैनट है वो एलजबेथ की की तरफ ध्यान देता है मिसिस बेनिट मिसिज बैनिट इज़ आ फुलिश एंड फॉर्मुलस वन ये एक बेवकूफ़ औरत है लीडिया द यंगेस्ट ऑफ द बेनिट्स सिस्टर जो बेनेट सिस्टर हैं पांच उनमें से लीडिया सबसे छोटी है लीडिया बेनेट इज स्टूपिड एंड इंसोलेंट ये जो है ये स्टूपिड है किटी कैथरीन किटी बैनेट द सेकेंड यंगेस्ट बैनेट डॉटर ये सेकेंड यंगेस्ट है नोन फॉर एक्सबिटिंग हर यूनिक पर्सनैलिटी और उसकी एक जो पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल यूनिक है द मिडिल बैनेट सिस्टर मैरी इज स्ट्रिजली सोम्बा एंड शोवी ये शोवी भी है और सोम्बा भी है साथ में मिस्टर कॉलिस् इज अ डिस्टेंट कजिन ऑफ बैनेट फैमिली ये दूर का उनका कजिन है टू हुम लॉन्गबर्न हैज बीन इन टेल्ड जॉर्जियाना डार्सी डार्सी सिस्टर जॉर्जियाना टेन ईयर्स हिस्स जूनियर जो डार्सी के सिस्टर जॉर्जियाना है वो दस साल छोटी है उससे नाउ लेट्स टॉक अबाउट समरी दिस स्टोरी इज सेट इन दंट्री ऑफ काउंट्री ऑफ हार्टफोर्ड शायर ये हार्टफोर शायर में सेट है एंड अबाउट फिफ्टी माइल्स आउटसाइड ऑफ लंडन ये फिफ्टी माइल्स दूर लंडन से ये प्लेस है द इट इज़ दोरी अबाउट बैनिट फैमिली पर्टिकुलरली एलिजैथ यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है आपकी एलजबेथ ये पोटेगनिस्ट भी है और ये बैनिट फैमिली की स्टोरी है द नावल ओपनस एट लॉन्ग बोर्न द बनेट फैमिलीज इस्टेट यहाँ पर ये लॉन्ग बोर्न में शुरू होता है जो कि बैनट फैमिली की जगह है मिस्टर एंड मिसिज बैनिट है फाइव चिल्ड्रेन इनके जो मिस्टर एंड मिसेस बेनेट है उनके पांच बच्चे हैं जेन एल्जबैथ मैरी किटी एंड लीडिया इसमें जो पटनेस दिखाई गई है वो है आपकी एलजबेथ जेन भी इसमें इम्पोर्टेंट एक कैरेक्टर है और जो इनके बारे में है वो है कि ये सभी अनमेरिड है द फैमिली इंगेजेज इन अ कॉन्वर्सेशन अबाउट मिस्टर बिंगले और जो जब मिस्टर बिंगले उनके पास नियर बाय आते हैं तो वो सोचते हैं कि ये प्रॉपर सूटर है इनके लिए और वो उनसे बात करना शुरू करते हैं मिस्टर बिंगले इज़ वुड बी स्टेट ओनर सुटेबल फॉर देयर डॉटर और जो मिस्टर बिंगले है इनके पास काफ़ी सारा जो स्टेट है संपत्ति आ जाएगी इसलिए वो चाहते हैं कि किसी एक डॉटर की इनसे शादी हो जाए बेनेट फर्स्ट मीट मिस्टर बिंगले इन अ बॉल पार्टी एंड हिज कंपेनियंस एट द मैरिटन बॉल तो ये सभी लोग एक बॉल पार्टी में मिलते हैं the person the people appreciated the nature of mr bingley jo log hain wahan par wo mr bingley ki jo nature hai use appreciate karte hain he is perfectly amiable and agreeable man wo ek milansar insaan hai mr bingley takes an immediate liking to jane bennet jo mr bingley hain wo jane bennet को पसंद करना शुरू कर देता है. mr bingley's pride darcy is contrast in character जो मिस्टर बिंग्ले का फ्रेंड है मिस्टर डार्सी वो बिल्कुल जो उसका कैरेक्टर है वो बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है मिस्टर बिंगले से द कम्युनिटी डिसाइड दैट डार्सी इज़ प्राउड एंड डिस बिकॉज ऑफ हिज रिज़र्व एंड रिफ्यूजल टू डांस यहाँ पे जो वहाँ पर लोग आए होते हैं वो ये सोचते हैं डार्सी के बारे में कि वो बहुत ही रिजर्व नेचर का है क्योंकि वो डांस करने के लिए मना कर देता है जेन फाइंड्स बिंग्ले सिस्टर कैरोलिन एंड मिस्टर हर्स्ट टू बी एमिएबल जो जेन है उसे बिंगले की जो सिस्टर्स है कैरोलिन और मिसेस मिस हर्स्ट दोनों को एमिएबल मिलनसार मानती है वेयर इज एलिजाबैथ कीन आई सी देम एज एन एरेगेंट लेकिन एलिजाबेथ के अकॉर्डिंग जो कि बहुत ही अच्छी ऑब्जर्वेंट है जैसा हमने कैरेक्टर के डिस्क्रिप्शन में देखा था वो उन्हें ऑब्जर्व करती है कि ये दोनों एरिगेंट है जेन एंड बिंगले स्टार्ट लाइकिंग ईच अदर जेन और जो बिंगले है वो दोनों के दोनों एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देते हैं हाउ वाइल बिंगले मेक्स इज पार्शियलिटी क्वाइट ऑब्वियस जेन इज यूनिवर्सली चेयरफुल एंड समय तो यहाँ पर जो बिंगले है वो आ, सारी चीजें वहां पर अपना जो नेचर है उसे शो करता है चारलेट लूकास एलिजाबैथ बेस्ट फ्रेंड हैज़ अ वेरी प्रेगमेटिक व्यू ऑफ मैरिज और जो चार्लेट लुकास है वो एलिजाबैथ की बेस्ट फ्रेंड है और वो सोचती है कि जो मैरिज है वो बहुत ही प्रैग्मेटिक होना चाहिए शी रिकमेंड्स दैट जेन मेक हर रिगार्ड फॉर बिंगले मोर ऑब्वियस और वो चाहती है कि जो जेन है वो बिंग्ले से अपनी बातें खुलकर कहे ऑन दी अदर हैंड मिस्टर डार्सी बिगिनस टू एडमायर एल्जाब और जो डार्सी है अब वो एल्जाबैथ को एडमायर करना शुरू कर देता है ही इज़ कैप्टिवेटेड बाई हर फाइन आइज एंड लाइवलीवुड वो उससे इसलिए पसंद पसंद करता है क्योंकि वो उसकी फ़ाइन आइज़ को पसंद करना शुरू कर देता है और उसकी जो विट है इंटेलिजेंस है उससे भी वो कैप्टिवेटेड फील करता है शी हाउ एवर रिमेन्स टुवर्ड हिम लेकिन वो इन चीजों के लिए शांत रहती है जेन इज इन्वाइटेड फॉर डिनर एट नीदरफील्ड। फील्ड जेन जो है उसे नीदरफील्ड फील्ड पर डिनर के लिए इन्वाइट किया जाता है मिसेज बीनेट रिफ्यूज टू प्रोवाइड अ विदर्स मिस्टर बेनेट जो है वो उसे कैरियस uh, नहीं देती एक uh, कोई गाड़ी नहीं देती दी रेन स्टॉम विल स्टॉप फॉर देयर और यहाँ पे उसका जो प्लान होता है कि वो कैरियर्स नहीं देगी या तो वो वहाँ पर जब बारिश होगी तो उसी के घर पर रुक जाएगी तो उनके बीच में फिर डिस्कशन uh, होगा राइट आफ्टर गेट्स काट इन द रेन आफ्टर दैट शी गेट्स कॉट इन द रेन अब वो, वो जो है रेन uh, में फंस जाती है बारिश में वहाँ पर फंस जाती है जेन एक्चुअली फॉल्स इल एंड हैज़ टू रिमेन एट नीदा फील्ड फॉर मैनी डेज और जो जेन है उसे वहाँ पर वो बीमार हो जाती है और उसे नीदा फील्ड में ही रहना पड़ता है काफ़ी दिनों तक पेंड बाय द्यूज ऑफ सिस्टर्स इलनेस एलिजैथ वर्क टू बिंग बिंगलिस स्टेट थ्रू दी मडीफी और जो जब एल्जाबैथ को ये बात पता चलती है कि उसकी जो सिस्टर है वो बीमार हो चुकी है वो वहाँ पर आ जाती है मडी फील्ड्स के से होते हुए कैरोलिन बिंगले एंड मिसेस हर्स्ट बाय एलिजेस अपियरेंस यहाँ पे जो एलिजेथ है वो मडी फील्ड से आई है इसलिए उसका जो अपियरेंस है वो बड़ा गंदा दिखाई दे रहा है तो जो कैरोलिन बिंगले है और मिसेस हर्स्ट हैं वो दोनों के दोनों इस बात से डिस्क्रेस्ड फील करते हैं दे वर बाउंड टू वेलकम हर विद बिंगले लेकिन उन्होंने बिंगले के साथ में उसको वेलकम uh, किया डार्सी डार्स अट्रैक्टेड टू एल्जाबैथ जो डार्सी है अब वो एल्जाबैथ को केस लिए अट्रैक्ट होता है ही ट्राइज टू इम्प्रेस अ ड्यूरिंग हर टाइम नर्सिंग जेन एट नीदर फील्ड जब वो जेन को नीदर फील्ड में नर्स कर रही होती है उसकी देखभाल कर रही होती है तो डार्सी उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है हाउ एल्ज़ाबैथ वॉज लीस्ट इंटरेस्टेड लेकिन एल्जाबैथ इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होती है कैरोलिन वॉन्टेड टू मीट मिस्ट्रेस ऑफ मिस्टर डार्सी और कैरोलिन जो है वो मिस्टर से मिलना चाहती है शी वॉज एक्सट्रीमली जेलेस ऑफ एलिजेथ और वो एलिजाबैथ से काफी जेलेस है एलिजैथ मॉक्ड फॉर हर लोवली स्टेटस एलिजाबेथ का मजाक बनाया जाता है उसके कम स्टेटस की वजह से मिसिज बेनेट एंड हर यंगर डॉटर्स कम टू नी द फॉल्ट नी फील्ड टू चेक ऑन जेन एंड एलिजाबेथ अब मिसेस बेनेट और उनकी जो यंग डॉटर्स हैं वो सभी निदा फील्ड में आ जाती हैं एलजाबैथ को और जेन को देखने के लिए इफ़ दे आर मोटिफाइड बाय देयर फुलिश बिहेवियर एंड कंप्लीट लैक ऑफ मैनर्स और वहाँ पर वो अपना फुलिश बिहेवियर और लैक ऑफ मैनर्स को दिखाते हैं बिंगलेस एडमायरेशन फॉर जेन कंटिन्यू अनबेटेड और जो बिंगले है वो जेन को uh, कॉन्टिन्यूसली Continu एडमायर uh, करता है ही वॉज मच कंसर्न अबाउट हेल्थ ऑफर और वो uh, उसकी हेल्थ के लिए भी काफ़ी कॉन्शियस है बोथ जेन एंड एल्जेबे रिटर्न होम आफ्टर रिकवरी जेन और एल्जेबे जब ठीक होते हैं तो वापस घर आ जाते हैं मीन वाइल अ मिलेशिया रेजिमेंट इज स्टेशन एट दियर बाई टाउन ऑफ मेरिटन वेयर मिसिज बेनिट्स सिस्टर मिसिज फिलिप्स लेव यहाँ पर क्या है कि नियर uh, बाय एक uh, जो मिलिशिया रेजिमेंट है वो आ चुकी है और वहां पर उस प्लेस पर मिसेस बेनेट की सिस्टर मिसेस फिलिप्स रहती हैं मिसेस फ्लिप इज जस्ट एज फुलिश एज मिसेस बेनेट जो मिसेस फिलिप्स दोनों जो बहनें हैं मिसेस uh, बेनेट और मिसेस फिलिप्स दोनों के दोनों एक जैसे बेवकूफ हैं लीडिया एंड किटी लव टू स्टे विद द आंट इन मैरिटन सो दे कैन सोशलाइज एंड फ्लर्ट विद दी मिलिट्री ऑफिसर्स अब जो दोनों छोटी बहनें हैं लीडिया और किटी uh, दोनों के दोनों वहाँ पर मैरिटन में जाना चाहती हैं अपने आंट के साथ में जिससे कि वो फ्लर्ट कर पाएँ मिलिट्री ऑफिसर्स से मिस्टर कॉलिस् मिस्टर बैनिट्स डिस्टेंस कजिन राइट्स अ लेटर स्टेटिंग हिज इंटेंशन टू विजिट जो मिसटर कॉलिस् है uh, मिस्टर बैनेट का डिस्टेंट कजिन है वो एक राइटर एक लेटर लिखता है कि वो लोग वहां पर आना चाहता है वो वहां पर आना चाहता है कॉलिंस इन द लाइन ऑफ इनहेरिट लॉन्ग बर्न बिकॉज द स्टेट हैज बीन इंटेल्ड अवे फ्रॉम हिज फीमेल चिल्ड्रेन मिस्टर कॉलिंस इज अ कलर्जी मैन जो मिस्टर कॉलिंस है वो एक्चुअल में एक कलर्जी मैन है हिज पैट्रनस लेडी कैथरिन डिबोर्ग हुज़ ऑल्सो डार्सिज आंट हैज सजेस्टेड दैट ही फाइंड अ वाइफ तो उसकी जो पैटर्निस है लेडी कैथरिन डिबोर्ग वो चाहती है कि वो शादी कर ले देयर फॉर कॉलिस् होप्स टू मेक अमेंट्स फॉर दी इंटेलमेंट बाई मैरिंग वन ऑफ मिस्टर बैनिट्स डॉटर तो जो कॉलिंस है वो चाहता है कि मिस बैनिट की जो डॉटर्स हैं उनमें से किसी एक से एक से उनकी शादी हो जाए मिस्टर कॉलिस् एक्ट्स प्रूव्स हिमसेल्फ़ टू बी लेकिन जो मिस्टर कॉलिंस है वो बिल्कुल एक बेवकूफ इंसान की तरह वहाँ पर बिहेव करता है हु इज सेल्फ पॉम्पस एंड सेल्फ बोस्टिंग मैन खूब अपने बारे में काफ़ी सारी बोस्टिंग करता है द मिस बैनट्स एंड मिस्टर कॉलिंस गो फॉर अ वॉक टू मैरिटिन जो बैनेट है और कॉलिंस जाते हैं मैरिटिन में एक वॉक पे ऑन दी वे दे मीट एंड रेजिमेंट ऑफिसर नेम्ड मिस्टर विकम वो वहाँ पर एक मिसटर विकम से मिलते हैं जिसके बारे में हमने बात किया कि ये एक बहुत ही डिसेप्टिव काइंड ऑफ कैरेक्टर है दे ऑल्सो रन इन टू मिस्टर डारसी वो uh, वहाँ पर मिस्टर डार्सी से भी मिलते हैं वैन डारसी एंड विकम सी वन अनदर बोथ मैन विकम विजुअली अनकम्फर्टेबल डार्सी और विकम दोनों एक दूसरे के सामने जब आते हैं तो अनकम्फर्टेबल फील करते हैं विकम शोज एन इमीडिएट पार्शियलिटी फॉर एलिजैथ एंड दे स्पीक एट लेंथ ओवर फॉलोइंग दिकम जो है वो एलिजाबैथ के बारे में बात करता है और उसके उसकी लाइकिंग के बारे में बात करता है इन वन ऑफ दीज कॉन्वर्सेशन विकम एक्सप्लेन्स हिज पास्ट विद डार्सी और विकम जो है अपना पास्ट डार्सी को बताता है डारसी फादर हैड दैट है

प्री डिस्पोज टू थिंक बैडली ऑफ डारसी डज नॉट क्वेश्चन विकम्स अकाउंट यहाँ पे जो एलजबेथ है वो डारसी को बिल्कुल शुरुआत से ही जब उसने उसे डांस करने के लिए मना किया था तभी से वो उसके बारे में सोचती है गलत तरीके से सोचती है उसे अच्छा इंसान नहीं मानती है और इस बात से इस बात का फ़ायदा विकम को मिलता है और विकम को वो आ, की तरफ वो झुकना शुरू हो जाती है जेन डि नॉट जंप टू दी कंक्लूजन शी सेट देयर मस्ट बी सम और जो जेन है वो एलिजाबेथ को कहती है कि जरूर डार्सी के बारे में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी बिंगले होस्ट बॉल एट नीदरफील्ड एक पार्टी फिर से बिंगले जो है वो नीदरफील्ड में करता है ही एंड जेन स्पेंड द होल इवनिंग टुगेदर और दोनों के दोनों जेन और बिंगले पूरी शाम साथ में बिताते हैं देयर रिलेशनशिप बिकम्स मोर इंटीमेट दैन बिफोर हाव वो मिसिज बेन इट स्पीक्स लाउडली अबाउट देयर इमिनेंट एंगेजमेंट और जो मिसेस बिनट है वो इंगेजमेंट uh, के बारे में काफ़ी ज़ोर से वहाँ पे बातें करती है एल्जेथ नोट्स दैट डार्सी ओवर ओवर हीयर्यर्स हर और जो एल्ज़ैथ है वो उसे पता चलता है कि डार्सी इस बात को सुन लेता है लेटर दैट इवनिंग डार्सी आस्क एलज़ टू डांस एंड शी रिलेक्टेंटली एक्सेप्ट और जो डार्सी है वो एलजबैथ को इवनिंग में डांस के लिए uh, कहता है और वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है बट रिलेक्टेंटली she does not enjoy the dance and cannot understand why he asked her वो ना तो डांस को इन्जॉय करती है ना ही उसे पता होता है कि वो आ, उसे डांस के लिए उसने क्यों प्रपोज किया मिस्टर कॉलिंस हु वॉन्टेड एलिजाब रिजर्व द फर्स्ट टू डांस विद हर और जो मिस्टर कॉलिंस है वो भी एलजाबैथ को चाहता है और वो उसके लिए दो शुरुआत में उससे डांस करना चाहता है द नेक्स्ट डे मिस्टर कॉलिस् प्रपोजिज एल्जबैथ uh, से जो मिस्टर कॉलेंस है वो एलिजैथ को प्रपोज कर लेता है शी रिफ्यूज़ ही थिंक्स आउट ऑफ शाईनेस शी हैड रिजेक्टेड जो मिस्टर कॉलिस है वो सोचता है कि एलजबैथ ने जो रिजेक्ट किया है मेरा प्रपोजल वो इसलिए किया होगा कि आउट ऑफ शाइनेस किया होगा uh, क्योंकि वो शर्माई होगी ही अज्यूम्स शी इज सिंपली प्लेइंग प्लेइंगय एज ही बिलीव्स फीमेल्स टू जैसे कि वो सोचता है कि यूजली फीमेल्स इस बात के लिए शाइनेस फील uh, करती हैं मिसेस बेनेट स्कॉल्ड कॉल्ड फॉर रिफ्यूजिंग कॉलिस् वेयर वेर इज़ मिस्टर बेनेट इज़ ग्लैड तो मिस्टर बेनेट तो इस बात के लिए काफ़ी खुश है लेकिन uh, जो मिसेस बेनेट है वो इस बात के लिए एल्जबैथ को डांटती है कि तुमने कॉलिन्स का जो प्रपोजल है उसे रिफ्यूज़ क्यों किया मिस्टर कॉलिस् क्विकली शिफ्ट सेज अटेंशन टू चार्लेट लुकास और जो मिस्टर कॉलिश है वो अपना जो अटेंशन है वो चार्लेट लुकास के लिए शिफ्ट कर देता है ही प्रपोजेज टू चार्लेट एंड शी एक्सेप्ट जो चार्लेट है वो मिस्टर कॉलिस् का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है हिज यूज वेल्थ मेड ह एक्सेप्ट दी प्रपोजल और जो उसके पास बहुत सारा पैसा है उसकी वजह से वो प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है एलिजाबेथ इज डिसअपॉइंटेड इन हर फ्रेंड फॉर एग्रींग टू मैरी एन इडियोटिक मैन अब यहाँ पे जो एलिजाबेथ है वो तो इस बात से खुश नहीं है क्योंकि जो चार्लेट लुकास है वो एलिजाबेथ की ही फ्रेंड है बिंगले ट्रेवल्स टू लंडन फॉर बिजनेस जो बिंगले है वो लंडन चला जाता है बिजनेस के लिए ही हैड प्लान्स टू रिटर्न टू नीदर फील्ड वो अब नीदर फील्ड में फिर से वापस आएगा हिज सिस्टर्स एंड डार्सी सून फॉलो हिम और उसकी जो सिस्टर्स हैं और डार्सी हैं वो वहाँ पर आ जाती हैं लिटर कैरोलिन इन्फॉर्म्ड दैट बिंगले बिंग्लेज चेंजड द प्लान और कैरोलिन बताती है कि बिंगले ने अपना प्लान चेंज कर लिया है दे विल नॉट रिटर्न टू नीदर फील्ड फॉर नेक्स्ट सिक्स मंथ और वो नीदर फील्ड छः महीने तक नहीं आएंगे कैरोलिन आल्सो इन्फॉर्म जेन दैट शी होप्स बिंगले विल मैरी डार्सीज यंगर सिस्टर टू दैट द टू फैमिलीज फॉर्चून्स टू बी यूनाइटेड और वो वहाँ पर बिंगले के बारे में बताती है कैरोलिन कि जो डार्सी की सिस्टर है छोटी सिस्टर है उससे अब बिंगले शादी करने वाला है जेन से नहीं करेगा जेन इज़ हार्ट ब्रोकन अब इस बात से जो जेन है वो बहुत दुखी हो जाती है एलजाबैथ अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ द गेम ऑफ टू ग्रुप ऑफ सिस्टर्स एलिजबैथ समझ जाती है कि ये जो ग्रुप ऑफ सिस्टर हैं इन्होंने ये सारा गेम खेला है मिस्टर Mr. uh, और मिसेस गार्डिना एलिजेथ्स आंट एंड अंकल कम टू लॉन्ग बोर्न टू विजिट नथिंग नोटिंग जेन्स सेडनेस दे इनवाइट हर टू स्टे विद देम इन लंदन फॉर अ वाइल और दोनों देखते हैं कि जो जेन है वो काफ़ी दुखी है तो उसे लंदन बुला लेते हैं एलजबेथ होप्स दैट जेन विल रन इन टू बिंगलेस वाइल इन लंडन और एलिजेथ को लगता है कि जो जेन है वो बिंग्ले uh, से मिलेगी वहाँ पर लंदन uh, में रहेगी तो उससे मिलेगी

तो जो चॉलेट है वो मिसेस कॉलिन्स अब बन चुकी है एट हर न्यू होम इन कैंट अलोंग विदियम लुका लुका ट्रेवलर विजिट जेन एंड गार्डिनर और जो वहां पर घूमने आए हुए हैं दोनों के दोनों वो जेन और गार्डनर से मिलना चाहते हैं मिसेस गार्डनर क्रिटिसाइज विकम्स चेंज ऑफ अफेक्शन बट एल्जेस्ट डिफेंसिम जो मिसेस गार्डनर है वो विकम्स का जो अफेक्शन चेंज हो जाता है तो एलिजैथ्स उसको फिर डिफेंड करती है क्योंकि वो मानती है कि बिंगले एक अच्छा इंसान नहीं है और डार्सी एक अच्छा इंसान नहीं है और विकम एक अच्छा इंसान है ड्यूरिंग हर स्टे इन हंसफोर्ड एलजबे एंड द अदर आर ऑफन इन्वाइटेड टू डाइन एट रोजिंग लेडी कैथरीन लार्ज स्टेट अब जो जब वो हंसफोर्ड में हैं एलजबैथ्स और उसकी फैमिली वालों को बार बार डिनर पर बुलाया जाता है लेडी कैथरीन इज कम्प्लीटली एरोगेंट एंड डोमियरिंग और लेडी कैथरीन जो है वो बहुत एरोगेंट है एलिजाबेथ हैड बीन एट परसोन फॉर अ फोर्थ नाइट मिस्टर डार्सी एंड हिज कज़िन कर्नल फिर्ज विलियम विजिट रॉजिंग्स अब मिस्टर डार्सी और उसके कज़िन जो हैं कर्नल फिर्ज विलियम वो रोजिंग्स में आते हैं वहीं जहाँ पे वो डिनर पे होते हैं सारे लोग एलिजाबेथ एंड कर्नल फ्रिज विलियम गेट अलॉन्ग वेरी वेल जो एलिजाबैथ और कर्नल जो फ्रिज विलियम है वो काफी अच्छे से एक दूसरे के साथ रहते हैं डार्सी इंटांटेड बाई एलिजाबेथ डार्सी तो जो है वो एलिजेथ से मिलने आता है ही इज ऑल्सो इंटेंशनली इंटेंशनली मीट्स हर ड्यूरिंग हर डेली वॉक्स थ्रू द नियर बाय गार्डन्स और वो बार बार डार्सी उससे मिलता है एलिजाबेथ से गार्डन में मिलता है वन डे कर्नल फ्रिज विलियम मैंज़ाबेथ दैट डार्सी रिसेंटली सेव्ड अ क्लोज फ्रेंड फ्रॉम अम्प्रूवेंट मैरिज और जो फ्रिज विलियम है वो बताता है कि एल्जाबैथ uh, को क्योंकि एल्जाबैथ जो है वो डारसी के बारे में अच्छा नहीं सोचती है तो वो बताता है कि जो डार्सी है उसने उसके एक फ्रेंड uh, को एक बुरी मैरिज होने से बचाया था एलजाबेथ थिंक्स दैट फ्रिज विलियम इज रेफरिंग टू बिंगले एंड जेन और जो एल्जबैथ सोचती है फ्रिज विलियम बात कर रहा है बिंगले और जेन के बारे में शी लूज टेम्पर एट डार्सी एंड शी गिव्स हर सेल्फ अ हैडक और वो इतना ज़्यादा गुस्सा होती है कि उसे खुद ही इससे हैडक हो जाता है आफ्टर दिस इंसिडेंट शी कीप्स हर सेल्फ फ्राम विजिटिंग रोजिंग्स दैट नाइट और अब वो रोजिंग्स में आना उसने बंद कर दिया है डार्सी विजिट्स एलिजथ्स वाइल्ड शी इज़ अलोन एट पर्सनेज जो डार्सी है वो एलजबैथ को अकेले में परसनोज में मिलता है ही डिस डिक्लेयर्स दैट ही वॉन्ट्स टू मैरी हर डिस्पाइट हर लोवली फैमिली कनेक्शन यहाँ पर वो कहता है कि वो उससे उसके लो फैमिली कनेक्शन होते हुए भी शादी करना चाहता है एलजबैथ इज़ शॉप्ड एट हिज एरोग्रेस और एलजबेथ इस बात से ऐसा सुनकर बहुत गु़स्सा हो जाती है दी प्रपोजल वॉज वेहमेंटली एंड रूडली रिफ्यूज और जो प्रपोजल है उसको बिल्कुल रूडली वो रिफ्यूज़ कर देती है शी ऑल्सो रिव्यूज हिम फॉर एक्टिंग इन सच सच एन अनजेंटली मैनली मैनर और वो उसको बुरा कहती है और उसे बताती है कि तुम्हारा जो मैनर है वो बिल्कुल गलत है शी ऑल्सो चार्जेस हर फॉर रियम्स फ्यूचर एंड एक्चुअली दिस इज शी ऑल्सो चार्जेस हिम इट विल बी हिम फॉर जेम्स जेन्स फ्यूचर हैप्पीनेस एंड बिट्रोइंग विकम और यहाँ पर वो उसको क्या उसको बत, बोलती है कि तुमने जो है वो जेन का फ्यूचर हैप्पीनेस बिल्कुल बर्बाद कर दिया है डार्सी हैड एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ लो स्टेट गर्ल और जो डार्सी है उसने लो स्टेट गर्ल से ये चीज कभी नहीं सोची होती है द नेक्स्ट डे डारसी फाइंड एलजबेथ एंड हैंड सहर ए लेटर डार्सी जो है नेक्स्ट डे उसे एक लेटर देता है शी रीड्स इट आफ्टर ही इज गॉन जब वो चला जाता है तो वो इस लेटर को पढ़ती है फर्स्ट डार्सी दैट ही नेवर डिस बिंगले फ्रॉम प्रपोजिंग टू जेन पहले डार्सी क्लियर करता है कि उसने बिंगले को कभी इस बात के लिए नहीं कहा कि वो प्रपोज uh, करे या प्रपोजल जो जेन के लिए बिंगले का था उसे डिस नहीं करेगा

एक प्रॉमिस लिया था उससे कि वो विकम को क्या करेगा लिविंग प्रोवाइड करेगा लेकिन जो विकम है वो कलर्जी ज्वाइन कर ले विकम एंटर कलर्जी ही आस्क डार्सी फॉर थ्री थाउजेंड पाउंड टू स्टडी लॉ जो डार्सी है वो उससे थ्री थाउजेंड पाउंड्स विकम मांगता है कि वो स्टडी करना चाहता है लॉ स्टडी करना चाहता है वो कलर्जी में नहीं जाना चाहता विकम यूज द मनी एक्स्ट्रा वेगेंटली और ऑन एन इमोरल लाइफ स्टाइल और जो विकम है उसने पूरा जो पैसा है वो इमोरल लाइफ स्टाइल में खर्च कर दिया है अगेन ही आज डार्सी फॉर अनदर स्टाइपिन प्रमिसिंग टू एंटर द कलर्जी दिस टाइम और जो डार्सी है उसने फिर से वो दोबारा से स्टाइपेंड मांगता है आ, विकम जो है वो डार्सी से स्टाइपेंट मांगता है और कहता है कि मैं कलर्जी में चला जाऊंगा डार्सी रिफ्यूज स्ट्रॉन्गली इस, इस बार डार्सी उसे कुछ नहीं देता विकम सीड्यूस्ड डार्सीज टीन एज सिस्टर जॉर्जियाना फॉर रिवेंज और फिर जो विकम है वो जॉर्जियाना की जो टीन एज सिस्टर आ, विकम की जो डार्सीज की जो जॉर्जियाना जो सिस्टर है उसको वो सीड्यूज करता है क्योंकि वो बदला लेना चाहता है बोथ विकम एंड जॉर्जियाना हैड प्लड फॉर द एलोपमेंट अब यहाँ पे जो विकम है वो जॉर्जियाना के साथ एलोप होने के लिए एक प्लान बनाता है फॉर्चुनेटली डार्सी इंटरविन एंड सेव्ड जॉर्जियानाज ऑनर और डार्सी वहाँ पर आ जाता है होपफुली फॉर्चुनेटली और जॉर्जियाना के ऑनर को बचा लेता है एलिजैथ इनिशियली रिफ्यूज टू बिलीव डारसीस के पहले एलिजेथ को ये लगता है कि जो डारसी है वो ये बातें गलत बोल रहा है ही शी हैड टू बिलीव एज शी विटनेस टू हर सेल्फ विकम्स बिहेवियर लेकिन जब बाद में वो विकम के बिहेवियर को देखती है तो उसे इस बात पर बिलीव हो जाता है हर प्रिजडाइज टूवर्ड्स डार्स मेड हर बिलीव विकम अब जो उसे पता चलता है कि उसका जो एक तरह से उसके जो प्रिजाइसिस थे डारसिस के लिए वो हेल्प करते हैं कि वो विकम पर विश्वास करना शुरू कर देती है शुरुआत में she realizes she was inclined to believe Wickham because she was prejudiced against Darcy. She was also flattered by his attention. और क्योंकि जो Wickham है वो काफी उससे flattery करता है इसलिए भी जो Elizabeth है वो उसपर विश्वास करना शुरू कर देती है. Soon afterwards Elizabeth returns home, stopping to collect Jane on the way और वहाँ पर जाती है और Jane को अपसेट है है, Lydia है, Kitty है, ये सारे अपसेट है क्योंकि अब रेजिमेंट वहां से जा रही है एंड देवर फ्लर्टिंग और वहाँ पर फ्लर्ट कर रहे होते हैं कर्नल फॉस्ट एंड मिसिस फॉस्ट इनवाइटेड लीडिया टू जॉइन इन ब्राइटन और जो कर्नल फॉस्टर है मिसेस फॉस्टर है वो लीडिया को वहाँ पर अपनी जो जगह है ब्राइटन एंड वहाँ पर बुलाते हैं एलजबैथ एडवाइज़ हर फादर टू रिफ्यूज लीडियाज़ रिक्वेस्ट और जो एलज़बेथ है वो अपने फ़ादर को कहती है कि लीडिया की जो रिक्वेस्ट है उसे रिफ्यूज़ कर दिया जाए मीन्स उसे वहाँ ना भेजा जाए एज हर सिस्टर्स फॉर नेचर विल गेट लेडिया इन ट्रबल और वो ये मानती है कि जो लीडिया है उसका नेचर अभी मेच्योर नहीं है और वो ट्रबल में पड़ सकती है हाउ वो मिस्टर बेनेट डज नॉट हीट एल्जबैथ एडवाइस यहाँ पर जो मिस्टर है वो एलिजेथ की एडवाइस को एक्सेप्ट नहीं करता सुन आफ्ट एल गोज ऑन वेकेशन विद गार्डनर्स और फिर वेकेशन पे चली जाती है दी आर फर्स्ट स्टॉप इज क्लोज टू पैम्बरले मिस्टर स्टेट डार्सीट दर गार्डनर्स वॉन्ट टू टेक अप टूर अब यहाँ पे जो गार्डनर है वो एक टूर करना चाहता है मिस्टर डार्सी के स्टेट का वो पेम्बल्य में है अभी और एलजबेस ओनली एग्रीज़ वंस शी लर्न दैट डारसी इज अवे कर्ंटियाल्स इस बात के लिए एग्री हो जाती है क्योंकि डारसी वहाँ पर नहीं होता ड्यूरिंग देयर टूर ऑन ऑफ द स्टेट मिस्टर रेनॉल्ड दैम्बली हाउस कीपर प्रेज डारसी विदाउट मीनसिंग एनी वर्ड अब यहाँ पर उन्हें मिलता है एक नया कैरेक्टर जिसका नाम है मिसिज रेनॉल्ड और मिसिज रेनॉल्ड जो है वो डारसी की काफ़ी तारीफ करती है द्रेवलर सडनली रन इन टू डार्सीड एंड गार्डनर एक डार्सी uh, है वो बहुत ही कॉर्डिनल बिहेव करता है एलिजैथ और गार्डनर दोनों के साथ में मीन्स बहुत अच्छे से बिहेव करता है जबकि इससे पहले इन दोनों के बीच में काफी बातें हो चुकी थी हीना एज सुन एज शी अराइव द नेक्स्ट डे और वो कहता है कि मैं जॉर्जियाना से मिलना चाहता हूँ द नेक्स्ट मॉर्निंग डारसी एंड जॉर्जियाना विजिट एलिजेथ एंड द गार्डन एट दियर इन अब जो एक होटल में ये तीनों मिलते हैं डारसी जॉर्जियाना और एलिजथ बिंग्ले सुन जोइंस दैम द एलिजेथ कैन सी दैट ही स्टिल थिंग्स फोनली ऑफ जिन और वो दिखती है कि जब बिंग्ले वहाँ पर आता है और वह वो सुनती है उससे और ये फील करती है कि अभी भी वो जेन के बारे में फील करता है बातें करता है एलिजेथ एंड मिसेस गार्डनर रिटर्न कर्टिसी बाय विजिटिंग पैम्बले वेयर बिंगले सिस्टर ट्रीट देम क्वाइट रूडली अब जो एलिजेथ और मिसेस गार्डनर हैं, वो दोबारा से पेम्बल में आते हैं और वहां पर बिंगले की जो सिस्टर्स हैं उन्हें काफी रूडली बिहेव करती हैं वन मॉर्निंग रिसीव्स अ लेटर फ्रॉम जेन अनाउंसिंग विद विकम अब यहाँ पे जो एलजेस है उसको एक लेटर मिलता है कि उसकी जो छोटी वाली सिस्टर है लीडिया और ये लेटर होता है जेन की तरफ से कि जो लीडिया है वो विकम के साथ एलोप हो चुकी है वो भाग चुकी है दैमिली फेयर्स डेट विकम डज नॉट एक्चुअली इंटेंड टू मैरिहा और जो फैमिली है उन्हें इस बात से डर है कि जो विकम है वो उससे सच में शादी नहीं करना चाहता जेन आस्ट रिटर्न होम इमीडिएटली जो जेन है वो एलिजेथ को घर बुला लेती है In यहाँ पे एलिजेथ जैसे ही लेटर पढ़ती है तभी वहां पर डार्सी आ जाता है वो घबरा कर ये सारी चीजें डार्सी को बताती है डार्सी फील्स ही शुड पब्लिकली एक्सपोज विकम्स विकेडनेस अब डार्सी को लगता है कि उसने जो विकम की जो बुरी चीजें थी बुरी बातें थी आ, उन चीज़ों को पब्लिकली एक्सपोज कर देना चाहिए था उसे एल्जबेथ एंड दी गार्डनर डिपार्ट फॉर लॉन्गबर्न ऑलमोस्ट इमिडिएटली जो एल्जबेथ और गार्डनर हैं वो तो लॉन्गबर्न के लिए जा चुके हैं आफ्टर दिस इंसिडेंट मिसेज बेनेट गोज हिस्टोरिकल एंड लुक्ड हर सेल्फ इन हर रूम और जो लॉक्ड हर सेल्फ इन हर रूम जो मिसेस बेनिट है वो बिल्कुल हिस्टोरिक हिस्टोरिकल फील करती है जो मिसिस बेनेट है वो हिस्टिकल हिस्टोरिकल हो गई है और उन्होंने खुद को रूम में बंद कर दिया दे लर्न फ्रॉम कर्नल फॉस्टर दैट विकम हैज एक्यूमलेटेड ओवर वन थाउजेंड पाउंड ऑफ गैम्बलिंग डेट और जो कर्नल फॉस्टर है उसे ये उससे ये भी पता चलता है कि विकम जो है उस पर वन थाउजेंड पाउंड का गैमलिंग डेट भी है तो लंडन जाते हैं साथ ही साथ वो मिलते हैं मिस्टर बेनेट से और जो कि ऑलरेडी वहां पर है और वो ढूंढ रहे हैं लीडिया को लंडन में आफ्टर मेनी डेज ऑफ फ्रूटलेस सर्चिंग मिस्टर बेनेट रिटर्न होम लिविंग दर्च इन मिस्टर गार्डनर्स हैं मिस्टर गार्डनर्स को कहते हैं कि अब आप ढूंढिए और मिस्टर बेनेट जो हैं वो घर आ चुके हैं सुन अ लेटर अराइव फ्रॉम गार्डनर अनाउंसिंग दैट लीडिया एंड विकम फाउंड अब जो मिस्टर गार्डनर है वो बताता है कि वो दोनों मिल चुके हैं मिस्टर विकम हैज एग्रीड टू मैरी लीडिया इफ मिस्टर बेनेट प्रोवाइड्स हर इक्वल शेयर ऑफ हिज वेल्थ तो जो विकम कहता है कि मैं लीडिया से शादी कर लूंगा लेकिन मिस्टर बेनेट को उसे इक्वल शेयर ऑफ वेल्थ देना पड़ेगा कंसिडरिंग द साइज ऑफ हिस डेट मिस्टर बेनेट नोस विकम वुड नेवर हैव एग्रीड टू मैरी लीडिया फॉर सो लिटिल मनी और वो देखता है कि जो मिस्टर विकम है ऑलरेडी इन डेट है ही बिलीव दैट मिस्टर गर्ना मस्ट है डील आफ्टर दैरिज लीडिया एंड विकम विज इट लॉन्ग बन अब यहाँ पर जो मिस्टर गार्डनर है उसे लगता है कि जो विकम है उसने अपना जो डेट है वो दे चुका है तो शादी हो जाती है दोनों की लीडिया और विकम की और वो लॉन्ग बर्न आ जाते हैं लीडिया इज नॉट द लीस्ट बिट रिमोर्सफुल फॉर हर कंडक्ट और लीडिया को अपने इस व्यवहार पे अपने कंडक्ट पे कोई भी रिमोर्स रिपेंटेंट या पश्चाताप कुछ नहीं होता हैप्पी टू हैव वन ऑफ हर डॉटर मैरिड और मिसिस जो बैनिट मिसिज बैनिट अब बिल्कुल खुश है क्योंकि उसकी एक बेटी की शादी हो चुकी है एट डिनर लीडिया लेट्स इट स्लिप टू एलजबैथ दैट डार्सी वॉज प्रेजेंट एट हर वेडिंग अब लीडिया एल्जाबैथ को बता देती है कि डार्सी जो द, जो था वो उनकी वेडिंग में प्रेजेंट था क्यूरियस एलजबेथ वॉन्टेड टू नो दिस सीक्रेट देआर फॉर राइट्स टू मिसेज गार्डनर फॉर डिटेल अब वो एक लेटर uh, लिखती है मिसिस गार्डनर को कि जो सीक्रेट था इसके पीछे क्या बात थी हर आंट एक्सप्लेन्स दैट इट वॉज डार्सी हु फाउंड लीडिया एंड विकम एंड पेड ऑफ विकम्स डेट अब यहाँ पर जो उसकी आंट है वो डार्सी के बारे में बताती है कि लीडिया और विकम की शादी भी और उनको ढूंढा भी डार्सी ने था और जो विकम का डेट है उसे भी पैसे खुद डार्सी ने ही दिए थे मिसेस गार्डनर बिलीव्स दैट डार्सी डिड नॉट डिड दिस आउट ऑफ लव फॉर एलज और जो मिसेस गार्डना हैं वो ये बिलीव करती है क्योंकि जो डार्सी है वो एल्जबेथ से प्यार करता है इसलिए उसने ये सारी चीज़ें की बिंगले एंड मिस्टर डार्सी सून रिटर्न टू नीदरफील्ड पार्क एंड दे कॉल एट लॉन्ग बर्न फ्रिक्वेंटली और जो बिंगले है मिसेस डार्सी है वो नीदरफील्ड पार्क आते हैं और वो दे कॉल एट लॉन्ग बर्न फ्रिक्वेंटली और वो लॉन्ग बर्न में आते जाते रहते हैं आफ्टर सेवन डेज बिंग्ले प्रपोज टू जैन और जो बिंगले है वो जैन को प्रपोज कर देता है शी एक्सेप्ट एंड फैमिली इज हैपी इन द मीन टाइम डारसी लिव्स ऑन शॉर्ट बिजनेस ट्रिप टू लंडन डारसी भी लंडन uh, जाता है वाइल्ड हीज गॉन लेडी कैथरीन कम्स टू लैंग लॉन्ग बर्न फ्यूरियस आफ्टर हियरिंग अवमर दैट एलिजैथ एंड डारसी आर एंगेज जो लेडी कैथरीन है वो काफ़ी गुस्से में वहाँ पे आती है क्योंकि वो ये सुनती है कि जो एलिजाबैथ एंड डारसी हैं दोनों इंगेज होने वाले हैं she wanted Elizabeth to confirm that she will never accept Darcy's proposal. वो Elizabeth को के पास आती है और उसे कहती है कि तुम्हें Darcy का proposal कभी accept नहीं करना चाहिए एलजबैथ रिफ्यूजेज प्रमो promise anything. Elizabeth जो है वो इस बात के लिए मना कर देती है कि मैं किसी तरह का promise नहीं कर सकती लेडी कैथरीन लिव्स इन अ हफ़ लेडी कैथरीन वहाँ से गुस्से में चली जाती है आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द ट्रिप डार्सी टेल्स एल्जैथ हिज लव इज़ नॉट गोइंग टू डिक्रीज एट एनी कॉस्ट वो डार्सी एल्जाबैथ से कहता है कि उसका जो प्यार है वो कभी ख़त्म नहीं होगा शी देन रिवील्स दैट हर फीलिंग हैव चेंज एंड दैट शी वुड बी हैप्पी टू मैरी हिम अब जो एल्जाबैथ वो है वो भी मिस्टर डार्सी को कहती है कि वो उससे शादी कर सकती है और वो खुश रहेगी They discuss how and why their sentiments have changed since Darcy's first proposal. अब वो दोनों बैठकर बातें करते हैं और अपने जो changed sentiments हैं एक दूसरे के लिए वो किस तरह से change हुए हैं first proposal से तो दोनों के दोनों बातें करते हैं। Darcy realizes that his proud behavior and emphasis on status had ruined relationship. Darcy को ये feel होता है कि उसका जो uh, emphasis on status है जो वो स्टेटस पे वो बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करता है उसकी वजह से रिलेशनशिप खराब हुई थी एलजबैथ मीन वाइल एक्सेप्ट दैट शी वॉज रॉन्ग टू जज डारसी प्रीमेच्योरली एंड एडमिट्स दैट शी अलाउड हर एक्सेसिव प्राइड टू अफेक्ट हर जजमेंट और एलजाबैथ फील करती है कि जो उसका एक्सेसिव प्राइड है वो भी जजमेंट गलत जजमेंट के लिए यहाँ पर उसका एक कारण था बोथ कपल्स मैरी दोनों के दोनों शादी कर लेते हैं एलिजैथ एंड डार्सी लिव एट पेम्बले एलिजैथ और डार्सी जो है वो पेम्बले में रहते हैं आफ्टर लिविंग इन निदा फील्ड फॉर यर जेन एंड बिंगले मूव टू एन एस्टेट नियर पेम्बले और जेन और बेंगले भी शादी हो जाती है उन दोनों की और वो भी पेम्बले के नज़दीक में आ जाते हैं लीडिया एंड विकम हैड टू सफर फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट और जो लीडिया और विकम हैं दोनों के दोनों को फाइनेंशियली काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स झेलनी होती है बोथ ऑफ दैम वो आर टायर्ड ऑफ इच अदर और दोनों के दोनों एक दूसरे से बहुत ही परेशान हैं किटी स्पेंड्स मोस्ट ऑफ टा टाइम मोस्ट ऑफ़ हर टाइम विद हर टू एल्डर सिस्टर्स एंड हर एजुकेशन एंड कैरेक्टर बिगेंस टू इम्प्रूव और किटी जो छोटी उनकी बहन है वो अपनी दोनों बड़ी जेन एंड एल्जाबैथ के साथ में अपना टाइम स्पेंड करती है और अब उसका कैरेक्टर और एजुकेशन दोनों इम्प्रूव होना शुरू होते हैं मैरी रिमेन्स एट होम टू कीप अदर कंपनी मैरी जो है वो अपनी मदर के साथ में है एंड मिस्टर बेनिट इज वेरी हैप्पी दैट हिज टू ओल्डेस्ट डॉटर्स हैव मैरिड सो हैप्पीली और जो मिसटर बेनिट है वो अपनी दोनों बेटियों के लिए काफ़ी खुश है मिस्टर बेनेट इज ग्लैड दैट हर डॉटर्स हैव मैरिड सो प्रॉस्पिर प्रॉस्परसली और दोनों के पास काफ़ी अच्छी संपत्ति है इसलिए वो खुश है इफ़ यू टॉक अबाउट थीम्स इन दिस वर्क सो फर्स्ट थीम इज फैमिली एज वी कैन सी कि फैमिली एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो ऐसा इंस्टीट्यूशन दिखाया गया है कि उसके काफी इंपॉर्टेंस है और जो एजुकेशन और कैरेक्टर दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है रोल ऑफ एजुकेशन रोल ऑफ एजुकेशन दिखाया जाता है कि जो एलिजथ एंड जेन है वो दोनों के दोनों वेल एजुकेटेड हैं और वेल मैनर्ड हैं जेंडर इनजस्टिस यहाँ पे जेंडर इनजस्टिस भी दिखाया गया है कि जैसे हम देखते हैं कि जो जितनी भी वुमेन हैं वो एक तरह से कोई स्टेट अपने पास नहीं रख सकती कोई संपत्ति उनके पास नहीं हो सकती है अगर उन्हें अच्छे से अपनी लाइफ स्पेंड करनी है तो उन्हें किसी प्रॉस्प्रस आदमी से शादी करनी होगी क्लास इन ईश्यूज़ यहाँ पे क्लास इश्यूज भी देखने को मिलते हैं और इसमें हम क्लियर uh, जो हमें डिफरेंस देखने को मिलता है वो एल्जबेस एंड डारसी के बीच में देखने को मिलता है इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि इंडिविजुअल जो डिसीजन है वो किस तरह से लिए जाते हैं और जो सोसाइटी है वो किसी के ना जो डिसीजन है उनको किस तरह से अफेक्ट करती हैं तो ये यहाँ पर इसके सारे थीम हैं प्राइड एंड प्रिजिटाइज के नाउ इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन शेयर योर डाउट्स विद अस विद दिस वी एंड दिस लेसन थैंक यू सी यू इन नेक्स्ट सेशन